2500 किलोमीटर हम हैदराबाद से आए हैं, तीन दिन हुआ, अभी इकट्ठा करके 500 लोग पार्लियामेंट में जा रहे हैं। ये जो जंतर मंतर पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं, उसको क्रॉस करते हुए ये लोग ढोल मंजीरा बजाते हुए इसके ऊपर चढ़ चुके हैं। एक एक के हाथ में झंडा है और ये आप देख सकते हैं, आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है एक तरफ, और आजादी के 75 साल हो चुके हैं एक तरफ, अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है, और एक तरफ ये लोग हैं तेलंगाना से जो 3 दिन से लगातार इस धूप में बरसात में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर, और दिल्ली के जंतर मंतर पर यहाँ पर तेलंगाना से काफी सारे लोग आए हुए हैं। आप इनके हाथों में ये झंडा देख रहे होंगे नीले कलर का, तो ये सारे जो है कैटेगरी से लोग हैं, ओबीसी कैटेगरी से सारे लोग आए हैं, और इनको जो है रिजर्वेशन में इनको रिजर्वेशन चाहिए, क्योंकि रिजर्वेशन जो ओबीसी कैटेगरी के लोग हैं उनके लिए हम पार्लियामेंट को जा रहे हैं। हम ये भी हैदराबाद से आया है, धरना चौक में ये रैली कर रहा है, वो भी सी रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए 50% करना है, और उद्योग और राजकीय में पूरा रिजर्वेशन देना है। हम झंडा पूरा रख के हर एक आगमन से जाना चाहिए। हम 500 लोग इधर आए हैं, दिल्ली में आए हैं, और इकट्ठा करने पूरा ओबीसी वाले लोग रिजर्वेशन बढ़ाने के लिए 50% करने के लिए हम हड़ताल कर रहे हैं, अभी पार्लियामेंट को जा रहे हैं। थैंक यू। मेरा नाम मुरली यादव, मिर्यालगुड़ा, नलगुंडी सिख तेलंगाना। लेकिन रिजर्वेशन के तहत ओबीसी को बहुत सी सुविधाएं दी हुई है, पहले से और सुविधाएं दी हुई है कि ओबीसी को अब 50% और मांग रहे हैं। 27% दिया है, 50% मांग रहे हैं, और जनगणना करना है वो भी से कितना लोग है। अभी भैंस को भी एक लेखा है, और ये पूरा जनगणना करना है कितना कैस्ट का लोग कितना है, कंपल्सरी ये काम करना है। हम अभी पार्लियामेंट को जा रहे हैं, अभी 2500 किलोमीटर हम हैदराबाद से आए हैं, तीन दिन हुआ, अभी इकट्ठा करके 500 लोग पार्लियामेंट पे जा रहे हैं। पार्लियामेंट घेरेंगे आप? हाँ, पार्लियामेंट घेरने के जा रहे हैं। तो आप कब से आए हुए हैं यहाँ पर? तीन दिन हो गया है। तो 27% तो मिला हुआ है आप लोगों को? 27% नहीं मिला है, 10% मिला है, 50% मिलना चाहिए। हम कितना लोग है इंडिया में? 80% लोग है, 80% लोग है इंडिया में, हमको देना क्या? 80% देना है, बिल्कुल कम से कम 50% देना है। अभी एमपी सीट, एमएलए सीट, पूरा सरपंच सीट देना है। क्या कुछ है, क्या क्यों चिल्ला रहे हैं यहाँ पर आप लोग, धरना प्रदर्शन क्यों कर रहे हैं? हम लोग हैदराबाद से आए, तेलंगाना स्टेट बीसी वेलफेयर एसोसिएशन, हमारा स्टेट प्रेसिडेंट जातीय अध्यक्ष और जाजरा श्रीनिवास गौड़ के साथ आया हम लोग हैदराबाद से आया। हमारा डिमांड तेलंगाना के और आंध्र प्रदेश मिलके हम लोग को बैंक के तो रिजर्वेशनों के ऊपर और जॉबों के ऊपर और एजुकेशन के ऊपर एलोकेल्स के ऊपर ले। आज हम भी आगे जंतर मंतर में धरना कर रहे हैं हम लोग। यहाँ पर महिलाएं भी, आप देख सकते हैं महिलाएं भी है। क्या कुछ हुआ है मैम? हमारा महिला बोले, क्या कुछ हुआ है मैम, क्यों यहाँ पर अब रिजर्वेशन की मांग है आप लोगों को? हम लोग सब बीसी के लोगों का है, तेलुगु राष्ट्र से आए हैं, आंध्र प्रदेश और तेलंगाना। हम लोगों को बीसी का सेंट्रल गवर्नमेंट से डिमांड है, बीसी का सेंसस करना है, और एक मिनिस्टर होना चाहिए बीसी से। इसी की वजह से हम लोग 3 दिन से दिल्ली में रह के आंदोलन कर रहे, मीटिंग लगा रहे। हमारा मांग पूरी किया तब तक हम लोग सेंट्रल गवर्नमेंट से लड़ते रहे थे, हमारा मांग पूरी करना। हम लोग जितना है वो सेंसस हम लोगों को मालूम होना है, हम लोगों का जराबा कितना है हम लोगों को मालूम होना है, उसके लिए हम जीता लगातार, हम लोग मर गए तब तक हम लोग ये लड़ाई करते रहे थे। जय बीसी। नहीं हो रही इसीलिए तब तक होगा जब तक करेंगे। जय बीसी। तो इनकी जो मांगे हैं वो लगातार जो है अपने रिजर्वेशन को लेकर है कि 10% दिया जा रहा है लगातार, उसमें 50% की ये लोग मांग कर रहे हैं। ओबीसी समाज से ये लोग आते हैं, आप यहाँ सामने देख सकते हैं, 3 दिन से ये लोग लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, हक अधिकार की बात कर रहे हैं, और यहाँ पर महिलाएं भी मौजूद है पुरुषों के साथ। आप सामने देख सकते हैं यहाँ पर महिलाएं भी हैं जिनकी जोश और खरोश में आप जोश देख सकते हैं उनके अंदर कि किस तरीके से वो जोश में है। इतनी कड़ी धूप हो रही है, 47 डिग्री सेल्सियस ये पारा चढ़ा हुआ है, उसके तहत ये लोग यहाँ पर
प्रदर्शन कर रहे हैं बारिश का, जहाँ बारिश जो लगातार हो रही है, ऐसी बारिश और धूप में ये लोग यहाँ पर लगातार अपने हक अधिकारों की मांग के लिए डटे हुए हैं। और यहाँ पर महिलाएं भी हैं, सोचिए ये महिलाएं लगातार 3 दिन से यहाँ पर इसी डिमांड और मांग को लेकर प्रदर्शन कर रही है कि जो ओबीसी समाज है उसको जो है रिजर्वेशन दिया जाना चाहिए 50% की मांग है रिजर्वेशन की इनकी, और लगातार ये लोग यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे हैं। तो अभी आप सामने देख सकते हैं ये पार्लियामेंट का घेराव करने के लिए ये लोग जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर लगातार ये लोग जो है 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रहे थे। इस सामने आप देख सकते हैं बैरिकेड्स को क्रॉस करके जा रहे हैं, बैरिकेड्स पे लोग चढ़ चुके हैं, ये हैदराबाद से आए हुए हैं और 3 दिन हो गया है इन्हें ओबीसी कैटेगरी के लिए ये रिजर्वेशन चाहते हैं कि हमें 10% से 50% मिल दिया जाना चाहिए। लेकिन आप सामने देखिए ये अब जो है पार्लियामेंट के घेराव करने के लिए इन्होंने जो है घोषणा की है, लेकिन यहाँ पर जो आप सामने तस्वीरें देख सकते हैं ये जो जंतर मंतर पर बैरिकेड्स लगे हुए हैं उसको क्रॉस करते हुए ये लोग ढोल मंजीरा बजाते हुए इसके ऊपर चढ़ चुके हैं, एक एक के हाथ में झंडा है और ये आप देख सकते हैं आजादी का अमृत महोत्सव बनाया जा रहा है एक तरफ, और आजादी के 75 साल हो चुके हैं एक तरफ अमृत महोत्सव का जश्न मनाया जा रहा है, और एक तरफ ये लोग हैं तेलंगाना से जो 3 दिन से लगातार इस धूप में बरसात में यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं लगातार। और सामने ये देख सकते हैं अपने हक अधिकार की लड़ाई के लिए ये लोग जो है यहाँ पर लगातार प्रदर्शन करते हुए बैरिकेड्स पे चढ़ गए हैं, और यहाँ पर पुलिस जो है लगातार उनसे रिक्वेस्ट कर रही है कि आप लोग नीचे उतर जाइए, लेकिन यहाँ पर ये सब लोग जो है बैरिकेड्स पे चढ़ चुके हैं और यहाँ से पार्लियामेंट को घेराव करने के लिए इन्होंने यहाँ पर घोषणा की है। अब आप देखिए कि जहाँ एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है वहाँ पर ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती है, ये तस्वीरें आप सामने देख सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर एक एक जो इंसान है अपने हक अधिकार के लिए यहाँ पर लड़ने और भिड़ने को तैयार है, और ऊपर झंडे लेकर ये लोग सारे बैरिकेड्स पर चढ़ रहे हैं, पुलिस वाले इनसे जो है लगातार मना कर रहे हैं कि भाई आप नीचे उतर जाइए, लेकिन ये लोग जो है झंडे लेकर ऊपर चढ़ रहे हैं क्योंकि लगातार जो है ये उसी रिजर्वेशन की मांग करते हुए लगातार यहाँ पर बात कर रहे हैं, और इनका कहना है कि हम जो है पार्लियामेंट का घेराव करेंगे। और सामने ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि करते हुए ये लोग जो है रिजर्वेशन की ही मांग को लेकर, हक अधिकार की मांग को लेकर लगातार यहाँ पर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, और पार्लियामेंट को घेरने के लिए ये लोग यहाँ से चढ़ते हुए बैरिकेड्स को पार कर रहे हैं, और पुलिस वाले लगातार इनसे अनुशासन में रहने की बात कर रहे हैं। एक तरफ आजादी का अमृत महोत्सव बन रहा है और एक तरफ यहाँ ये लोग हैं बरसात में धूप में प्रदर्शन करते हुए अब पार्लियामेंट की ओर रुख करने की इन्होंने घोषणा की है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, जंतर मंतर, दिल्ली।